Hi, this is Shahid Sayed and I am a founder of easyfilings.com. GST Council ने एक new notification issue किया है on 29th of Jan 2019 को on RCM, reverse charge mechanism पे. अब ये reverse charge mechanism क्या है? ये already service tax में भी था, वही same चीजें GST में भी आई हुई है. Additional चीज ये है कि अगर जो GST registered taxable taxpayer है, यानी जीएसटी में रजिस्टर है, अब वो अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेस करता है अबाउ ₹5,000 अ डे, देन इस केस में क्या होगा कि जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है उस सर्विस और प्रोडक्ट पे जो भी जीएसटी रेट एप्लीकेबल है वो जीएसटी की पेमेंट रजिस्टर्ड टैक्स पेयर पेमेंट्स करेगा ऑन बिहाफ ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन. उसको उसका इनपुट भी मिलेगा, लेकिन उसको नेक्स्ट मंथ के रिटर्न्स में उसको इनपुट मिलेगा, मतलब 30 डेज का उसका कैश लॉस है, मतलब कैश मैनेजमेंट में उसको इशू होगा, कैश लॉस रहेगा 30 डेज का, क्योंकि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा नेक्स्ट 30 डेज के बाद, यानी नेक्स्ट मंथ के रिटर्न्स में उसको ये उसको क्रेडिट मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन RCM. अब ये RCM क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैं कोई सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उससे मुझे जीएसटी भी लेता हूँ मैं. अब वो जीएसटी की लायबिलिटी यानी पेमेंट्स करने की लायबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर की होती है. आरसीएम में ये रिवर्स है, मतलब मैं किसी को सर्विस दिया हूँ, स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज है आरसीएम में, जो लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज है वो सर्विस प्रोवाइडर किसी को वो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इस केस में रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज मतलब जो सर्विस रिसीव कर रहा है वो टैक्स पेमेंट करेगा, जीएसटी की पेमेंट्स करेगा ऑन बिहाफ ऑफ सर्विस प्रोवाइडर. ये है सब एक शॉर्ट डेफिनेशन है लेमैन टर्म में, जो आप लोग को आरसीएम बहुत बेस्ट समझ में आएगा लेमैन टर्म में, कि सर्विस रिसिपेंट टैक्स भरेगा ऑन बिहाफ ऑफ सर्विस प्रोवाइडर के. अब ये एप्लीकेबल था ऑन 1st of July 2017 से RCM एप्लीकेबल था. फिर बहुत सारे नोटिफिकेशन पास हुए ऑन 38 2017 को, फिर RCM एग्जाम किया गया 31st March 2018 तक, देन अगेन नोटिफिकेशन आया अप टू June 2018 तक का RCM एग्जामेशन हुआ, देन अगेन नोटिफिकेशन आया 30th September 2018 तक का RCM एग्जामेशन हुआ, देन अगेन नोटिफिकेशन आया 30th September 2019 तक का RCM एग्जाम हुआ. देन अभी लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आया है ऑन 29th of Jan 2019, आपको नोटिफिकेशन नंबर बता देता हूँ मैं, 01/2019 CT dated 29th of Jan 2019. ये नोटिफिकेशन में जो एग्जेम्पशन था, अभी RCM कब कहाँ तक का एग्जेम्पशन था, September 2019 तक, वो एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर लिया गया, मतलब अब RCM एप्लीकेबल है ऑन 1st of February 2019 से. अब जो पहले के जो नोटिफिकेशन थे और जो पहले के एक्ट थे यानी जीएसटी में कुछ जो चेंजेस हुए हैं वो क्या थे, और ये जो नोटिफिकेशन में कुछ डिफरेंट चीजें ऐड की है जीएसटी काउंसिल ने, वो क्या चीजें मैं आप लोग को बताता हूँ. ये चीज कि पहले एवरी रजिस्टर्ड पर्सन है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ भी सर्विस लेता है, या तो गुड्स लेता है या तो दोनों लेता है, तो इस केस में रजिस्टर्ड पर्सन उस पर टैक्स भरेगा, ये नॉर्मल था और उसका क्रेडिट उसको नेक्स्ट मंथ के रिटर्न में मिल जाएगा, या चाहे वो इंटर स्टेट परचेस करे या इंटर स्टेट परचेस और इंटर स्टेट परचेस क्या होता है, एकदम शॉर्ट डेफिनेशन आपको दे देता हूँ. इंट्रा स्टेट परचेस क्या होता है कि विद इन द स्टेट, मतलब मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और कुछ गुड्स और सर्विस परचेस करता हूँ विद इन महाराष्ट्र, ये इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस होगा, इंट्रा स्टेट. और इंटर स्टेट सप्लाई क्या, मैं कुछ गुड्स एंड सर्विस परचेस कर रहा हूँ आउटसाइड द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. तो इस केस में एवरी रजिस्टर्ड पर्सन थे जो प्रोडक्ट अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस कर रहे और ₹5,000 के अभाव पर डे है, तो इस केस में टैक्स भरना है रजिस्टर पर्सन को और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा नेक्स्ट मंथ के रिटर्न पर. अब ये जो नोटिफिकेशन आया है उसमें नोटिफिकेशन में एक स्लाइट चेंजेस ये है कि क्लासेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन
एंड स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब नॉट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एंड नॉट एवरी कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. पहले क्या था, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एंड ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सेप्ट वो जो अपना इसमें एग्जेम्पशन जो मिलते हैं एग्जेम्पशन लिस्ट में है, एक्सेप्ट उनको छोड़ के. अब इसमें क्लासेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन और स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को अभी तक का जीएसटी काउंसिल ने डिफाइन नहीं किया है. अपकमिंग नोटिफिकेशन जो आएगा उसमें डेफिनेटली ये लोग उसको डिफाइन कर देंगे कि क्लासेस कौन कौन से ऐसे क्लासेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है और ऐसे कौन से स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जिन पे आरसीएम एप्लीकेबल हो चुका है, वो अपकमिंग नोटिफिकेशन में डेफिनेटली आ जाएगा. तो होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा. पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, पूरा टेस्ट जो बैर एक्ट में जो लैंग्वेज मेंशन है प्लस मेरे एनालिसिस है वो पूरा आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारी चीज़ें, आप वहाँ भी गो थ्रू कर सकते हैं. अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो मुझे मेरे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.